नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की हमारी UP SSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स जी के। तो हम लोग खेल से संबंधित 25+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आज बात करेंगे, और साथ ही साथ में हमारे सम्माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम पॉइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को सम्माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में भी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ BSA ट्रिकी क्लासेस को। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि यूकी भांबरी का संबंध कौन से गेम से, कौन से खेल से संबंधित है। तो यूकी भांबरी जो है वो है टेनिस से संबंधित हैं। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो वो है खेलकूद। इस तरीके से आपके सामने चार पांच ऑप्शन आएंगे, साहित्य के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा खेलकूद। अब देखिए अगला क्वेश्चन ट्रॉफी से संबंधित है कि DCM ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से। तो DCM ट्रॉफी का जो संबंध है वो आप लोगों का फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित। माइकल फिलिप्स हैं तैराकी से संबंधित। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था, 1961 में प्रारंभ हुआ था, और ये आपका खेलकूद से संबंधित पुरस्कार है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो सर डॉन ब्रैडमैन ने क्रिकेट खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त किया है, ठीक है। भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों यानी कि 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था। तो यह थे विजय कुमार, जिन्होंने 2012 में रजत पदक को प्राप्त किया था, वो भी कहाँ पर, लंदन के ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में। इसे जो कीवर्ड है स्पर्श रेखा वो कौन से खेल से संबंधित है, तो ये आपका कबड्डी से, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन थे। तो ये थे आपके नोवाक जोकोविच। 3 सेकंड्स ये कीवर्ड, ये कौन से गेम से संबंधित है, ये है आप लोगों का बास्केटबॉल से, ठीक है। अब बात करते हैं ईरानी कप। तो ईरानी कप का जो संबंध है वो है आपका क्रिकेट से। सानिया मिर्जा, जैसा कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं सानिया मिर्जा जो है किस खेल के लिए चर्चित हैं। तो ये है लॉन टेनिस के लिए, ठीक है। अपर कट जो है, अपर कट किस खेल से संबंधित है, तो अपर कट आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। खो खो में कितनी क्रॉस लेंथ्स होती हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, खो खो में जो है टोटल आठ क्रॉस लेंथ्स होती हैं। अब बात करते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। और आपके सामने इस तरीके से चार ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि पृथ्वीपाल सिंह, अशोक कुमार, GS रामचंद्र, बलवीर सिंह। तो इसमें से आपके GS रामचंद्र ये आपके हॉकी खिलाड़ी नहीं, बाकी ये तीनों खिलाड़ी हमारे हॉकी से खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन भी बात करते हैं कि किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये थे योगेश्वर दत्त, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गेम की बात करें तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके जैक्स रोगे। अब बात करें इसके जो प्रथम अध्यक्ष विकेलस, ये हमारे यूनानी व्यापारी डेमेट्रिस विकेलस, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और बात करें अभी कौन है इसके ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, तो वो हैं आपके जैक्स रोगे। लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो है किस देश ने जीते थे, तो अमेरिका ने जीते थे। बात करते हैं कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। तो दोस्तों, अगर आप लोग राष्ट्रीय खेल जानना चाहते हैं और भी देशों के, तो हमने देशों और उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में एक और वीडियो बनाया था, अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप लोग ऊपर एक आई आइकन का बटन आ रहा होगा जो आपको सजेस्ट करेगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो यानी कि राष्ट्रीय खेल और उनसे संबंधित देश के बारे में जान सकते हैं। अब जानते हैं कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक। बात करते हैं हम लोग सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर 1924 से देखिए स्टार्ट हुए हैं और 2018 तक के बारे में, इन बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं 1924 में
इनका जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। 1942 में इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के में गिरफ्तार भी किया गया था। 1951 में क्या हुआ, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय जनसंघ से ये हमारे जुड़े थे। और बात करें अगर लोकसभा में सांसद पहली बार कब बने थे, तो लोकसभा में ये 1957 में ये पहली बार लोकसभा के सांसद भी बने। 1962 में पहली बार ये इन्होंने राज्यसभा के सदस्य सांसद बने थे। और 1968 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। 1975 में इमरजेंसी के दौरान ये जेल भी जा चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं 1977 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री भी ये हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, जो कि 1977 में बने थे। 1980 में ये भाजपा के हमारे पहले अध्यक्ष चुने गए। तो पहले अध्यक्ष जो है हमारे सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कब बनाया गया था, तो ये हमारे जब भाजपा के पहले अध्यक्ष बने थे तो उस टाइम था 1980 यानी कि 1980 में। ठीक है, फिर देख ले आप लोग 1996 में सिर्फ ये हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और बात करते हैं 98 की, तो 98 में ये 13 महीने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री रहे और पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कराया। तो देखिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, इन्होंने क्या किया था, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था। ठीक है, तो 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट भी इन्होंने कराया था। 1999 में क्या किया था, दिल्ली लाहौर बस की एक सेवा की शुरुआत करवाई और कारगिल में ऑपरेशन विजय छेड़ा था। 2001 में इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। 2004 में भाजपा के लोकसभा चुनावों में ये हार गए थे, इनकी हार हो गई थी। 2005 में राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया था। ठीक है, तो संन्यास इन्होंने कब लिया था, 2005 में लिया था। 2009 में स्ट्रोक से हालत इनकी बिगड़ गई। 2014 में इनका 90वां जन्मदिन गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया गया था। 2015 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। और तो सूचित करना पड़ रहा है कि 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, नमस्कार।